तारीख की रात है, बढ़लगंज में हम मौजूद हैं और बाहर का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस या हो सकता है उससे कम भी हो, क्योंकि अभी धीरे धीरे रात बढ़ रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि रात बढ़ने पर हवाएं भी तेज हो जाती हैं, ठंड भी कड़ाके की पड़ती है। सरयू जी का तट है जहां पर बागेश्वर बाबा आए हुए हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ पर कथा चल रहा है और उसी कथा की भीड़ आपको नजर आ रही होगी। मैं आपको बता दूं, लगभग 3 एकड़ में ये पूरा टेंट लगा हुआ है जो कि वाटरप्रूफ टेंट है और मुझे लगता है कि आप अगर अंदर जाइएगा तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। हर तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं अपने अपने परिवार के साथ आई हुई हैं और आज की रात और आने वाली जो 2 रातें हैं वो यहीं पर बिताएंगी। ये आस्था का वो दृश्य है जो भारत ने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी किसी धर्मगुरु के साथ हुआ नहीं। कभी कोई धर्मगुरु इतना ज्यादा, जितना इन्फ्लुएंस बागेश्वर धाम का है वैसा इन्फ्लुएंस कभी देखने को नहीं मिला। और आज यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ से आई हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? कुशीनगर से। कुशीनगर से आ रही है, क्या कहना चाहेंगी? यहीं पे रुकेंगी रात को? हाँ, रात को यहीं पे रुकेंगे। अच्छा, और आने वाले 2 दिन तक भी यही रहेंगे? हाँ, यही रहूंगे। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहती हैं बागेश्वर बाबा? कहना चाहते हैं हम तो अगला दिसंबर से आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो अभी आपको मतलब कुछ ये उम्मीद है कि शायद हमारी अर्जी लग जाए या फिर बस ऐसे ही प्रभु का दर्शन? नहीं, हमारा अर्जी लगे या ना लगे, हमारा काम तो अच्छा हो रहा है। काम अच्छा हो रहा है। जैसे आप पहले जब बाबा जी से जुड़ी या मान लीजिए बागेश्वर धाम की कथाओं में जाने लगी तो आपकी चीजें बेहतर हुई? हाँ, ऐसा आपको लगता? हाँ, लगता है हमें। हमें तो बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे आने में। भाई देखिए, ये पूरी सी माता जी है। माता जी, ठंड लगातार? हाँ, ठंड तो लगातार बेटी, आखिर दर्शन खातिर के नहीं कुछ बुझा तो दर्शन हाँ। के आस बा? हाँ बेटी, हाँ? दर्शन के आस बा। हाँ। ये बा बेटी जो मन हमने कतनी तकलीफा बानी जा, नाती नहीं खे भोल लली मर गई, यही खातिर के गुरु महाराज के शरण में आवल बा, मन घर में जौन होई तौन खत्म हो जा। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी ये कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास भी है, ये आस्था भी है कि शायद हमारी अर्जी लग जाए, और अगर अर्जी नहीं भी लगती है तो ये आस्था का विषय है। बागेश्वर धाम के फॉलोअर्स हैं ये लोग और वो लोग आए हुए हैं आपसे जुड़ेंगे। कहाँ से आए हैं बाबा जी? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से, नेपाल से आए हैं? 8 घंटा यहाँ से, 8 घंटा 8 घंटे का सफर तय करके आप लोग नेपाल से आ रहे हैं? हम बाबा के 1 वर्ष से कथा सुन ली, 1 बरस से कथा सुन रही है। अच्छा, ये बताइए अर्जी लगे कि नहीं, ये तो नहीं पता? ये तो नहीं पता, ये तो बाबा जी के पता, हम के पता नहीं है। तो सिर्फ कथा सुनने आई? कथा भर सुनने आई है। हम सपने में, हम बाबा के सपने में भी 3 मुख, बाबा के 3 मुख। अच्छा, 3 सर देख, 3 सर देख लिए बाबा के 1 वर्ष में, दिन में 3 घंटा तो हम दिन भर उनके कथा भर सुनी, सब वीडियो देखती रही। और फिर आपकी आस्था और बढ़ गई? हाँ हाँ, आस्था बढ़ गई हमारी। क्या कहेंगे आप? लीजिए, ये बुक लीजिए। इन्हीं की वजह से हम भी आए हैं, हमारा भी बहुत उनको याद आता है, तो बाबा का ही गाना सुनते रहते हैं दिन भर। अच्छा, ये बैसाखी आपकी है बाबा जी? अच्छा, असमर्थ है आप चलने में, बावजूद बैसाखी लेकर के आए हैं आप, तो अभी 2 दिन तक यही रुकना है? हाँ, यही रुकना है, बाबा के देखना है। वहाँ नेपाल आए थे बाबा जी, वहाँ वो 2 दिन रुके थे जी, वहाँ सीजी में गए थे ना बरोग चौधरी, वो उन्होंने मंगाए थे बाबा जी को, गुरुदेव को। अच्छा, ये आस्था जगी कैसे? उनके जो कथा होना ना, वो दिन में 3 घंटा 5 घंटा हम रोज उनके यूट्यूब पर देखती है और फिर धीरे धीरे सबको जोड़ लिया, आपको भी ले आई।